Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back student. Today is 15 August 2020. Today we are going to start a new unit, unit number 3. Unit number 3, the life cycle of a flowering plant. Students, did you know that a watermelon may have over 600 seeds inside? आप सबको पता है कि 600 seeds होती हैं या उससे ऊपर होती हैं एक watermelon के अंदर. Flowering plant. Flowering plant reproduce. They start as a seed and grow into adult plant. जो हमारी flowers reproduce करते हैं वो कैसे reproduce करते हैं? सबसे पहले seeds होते हैं और seeds के बाद वो stages लेते हैं और last stage उनकी होती है adult plants की. So students, the question is, how do flowering plants make new flowering plants? जो flowering plant होते हैं वो दूसरे फ्लावरिंग प्लांट कैसे बनाते हैं? लेट्स सी. व्हेन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस दे मेक न्यू प्लांट्स. जब फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं तो नया प्लांट बनता है. दीज न्यू प्लांट्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस टू मेक मोर न्यू प्लांट्स. वी कॉल दिस प्रोसेस द लाइफ प्रोसेस. जैसे ही न्यू प्लांट बनता है हमारा फ्लावरिंग प्लांट से वो दूसरे न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है जिससे नए प्लांट्स बनते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस. बिकॉज ईच स्टेज इन द लाइफ प्रोसेस इज रिपीटेड ईच टाइम अ न्यू प्लांट इज मेड. हम लाइफ प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्यों? बिकॉज यहाँ पर प्रोसेस रिपीट होता है जिससे न्यू प्लांट बनता है. यहाँ पे फोर मेन स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल में फ्लावरिंग प्लांट की. नंबर वन सीड्स, टू सीडलिंग्स, थ्री यंग प्लांट एंड फोर एडल्ट प्लांट. Students, look at this picture very carefully. This is the diagram of four main stages in a life cycle of flowering plant. ये four main stages हैं flowering plants की. Number one, seeds. Two, seedlings. Three, हमारा जो diagram है वो young plant का है और fourth, adult plant का. So seeds. We can think of seeds at the first stage in the life cycle of a flowering plant. जब सबसे पहले हम सीड्स की बात करते हैं तो वो फर्स्ट स्टेज है हमारी लाइफ साइकिल, फ्लावर की लाइफ साइकिल. सीड्स नीड टू हैव द राइट कंडीशन. सीड्स की कंडीशन सही होनी चाहिए सच एज वाटर एंड वार्म टू स्टार्ट टू ग्रो. उनको पानी और उनकी खाद बिल्कुल सही मिलनी चाहिए. वंस अ सीड स्टार्ट्स टू ग्रो वी से इट हैज़ जर्मिनेटेड. जब हमारी सीड बनना शुरू हो जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जर्मिनेट करने लगी है. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज सीडलिंग. वी कैन थिंक्स ऑफ सीडलिंग्स एज अ सेकेंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल. सीडलिंग जो है वो हमारी सेकेंड स्टेज है लाइफ साइकिल की. वी स्टार्ट टू सी द फर्स्ट शूट एंड रूट एट दिस स्टेज. सीडलिंग में हम देखते हैं कि हमारी शूट और रूट कैसे ग्रो कर रही हैं. थर्ड पिक्चर इज ऑफ यंग प्लांट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर वी कैन थिंक ऑफ यंग प्लांट एज अ थर्ड स्टेज इन द लाइफ साइकिल. यंग प्लांट कौन सी स्टेज पे है? थर्ड स्टेज पे है. एट दिस स्टेज वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इट इज. इस स्टेज पे जाके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा प्लांट कौन सा है. एंड द लास्ट स्टेज एडल्ट प्लांट्स. वी कैन थिंक ऑफ एडल्ट प्लांट एज अ फोर्थ स्टेज इन द लाइफ साइकिल. हम मानते हैं कि एडल्ट प्लांट फोर्थ और लास्ट स्टेज है लाइफ साइकिल का फ्लावर की. एट दिस स्टेज द प्लांट इज फुली ग्रोन. इस स्टेज पे आके प्लांट पूरी तरह से बढ़ जाता है जितनी उसकी ग्रोथ होती है. स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल फोर मेन स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. नंबर वन सीड्स, टू सीडलिंग, थ्री यंग प्लांट एंड द लास्ट इज एडल्ट प्लांट. Students, come on page number 63. Let's do one exercise. Look at the photographs of different plants below. Write the names and numbers of each stage in the life cycle to complete the table. आपको यहाँ पे flower की life cycle की stages के नाम और numbers mention करने हैं. One has been done for you. पहला आपके लिए दे रखा है करके. So फर्स्ट फोटो किस चीज़ की है? एडल्ट प्लांट की है जो हमारी लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज. नेक्स्ट है हमारी पिक्चर
कौन सी स्टेज की? द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ सेकेंड स्टेज सीडलिंग, राइट डाउन सीडलिंग. थर्ड पिक्चर इज ऑफ फर्स्ट स्टेज, राइट डाउन फर्स्ट एंड राइट डाउन सीड्स. आपको यहाँ पे सीड्स दिख रही हैं, बीज. एंड द लास्ट इज थर्ड स्टेज, राइट डाउन थ्री एंड यंग प्लांट. ये कौन सा प्लांट है, कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज है, जिसका नाम है यंग प्लांट. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव डन दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज ऑन सेम पेज 63. लुक एट द बॉक्स वेरी केयरफुली. क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वर्ड्स. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको जो भी ऑप्शन में दे रखा है और जो गलत है उसको कट करना है, और एक आपके लिए पहले से कर रखा है एग्जाम्पल के तौर पर. लेट्स रीड. द लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्क फ्लावरिंग प्लांट ऑलवेज स्टार्ट विद वन प्लांट. समझ में आया आपको? तो कट नेवर. वैन अ फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस इट कैन मेक सीड्स. तो कट प्रोड्यूस. द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज अ सीड. तो कट यंग प्लांट. एज द सीड ग्रोज इट मूव्स इनटू द स्टेज टू ऑफ द लाइफ साइकिल टू बिकम अ सीडलिंग. सीड्स कौन सी स्टेज पे पहुंचती है? सीडलिंग पे. तो कट एडल्ट प्लांट. स्टेज थ्री ऑफ द लाइफ साइकिल इज द यंग प्लांट. सो कट सीड्स. एंड स्टेज फोर इज द एडल्ट प्लांट. सो कट सीड्स. व्हेन सीड्स स्टार्ट टू ग्रो वी से दे जर्मिनेट. सो कट रिप्रोड्यूस. तो जब सीड्स बढ़ने लगती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनेट. रिप्रोड्यूस को कट कर दीजिए. आई होप स्टूडेंट यू ऑल हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन योर बुक. जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा.